आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये कॉर्नर का प्लॉट है। अगर आपका प्लॉट एक कॉर्नर पर है, मतलब रोड पर जहां पर आपका एक क्रॉस है, तो आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। ये मॉडल जो मैंने क्रिएट किया है, मॉडर्न हाउस प्लान है। इसमें आपका जो एलिवेशन है उसकी बात करें या डिज़ाइन की बात करें, वो आपको बहुत ही बेहतरीन और प्रॉपर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करूं, इधर आपका फ्रंट साइड आपका ये है, ईस्ट फेसिंग प्लाट है ये आपका। सामने मतलब कि पूरब की दिशा में आपका ये रहेगा, और उसके साइड में अगर आपका रोड है तो ये आपका रोड रहेगा। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, हमारे एक पेड यूजर हैं, उनकी डिमांड पर है मॉडल क्रिएट किया है। और साइड में आपका ये देखिए पूरा रहेगा, यहाँ पर रोड है तो आप साइड से भी एंट्री कर सकते हैं, मैं अभी बताऊँगा। और फ्रंट से तो आप मेन डोर भी दिया है, साइड डोर भी दिया है, कार पार्किंग भी दी है, मतलब कि बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे, इसका साइज क्या है, प्रॉपर तरीके से पूरा प्लान आज हम बताने वाले हैं आपको। साइड से ये टू साइड ओपन है और टू साइड क्लोज्ड है। इधर साइड से आपका क्लोज्ड रहेगा और फ्रंट से आपका और साइड से ओपन रहेगा, ईस्ट फेस प्लानिंग। और यहाँ पर कॉर्नर का प्लाट है। तो इसकी अगर मॉडल की बात करें, साइज की बात करें, तो 30x60 30x60 फिट में मकान पूरा क्रिएट किया है मैंने एक कॉर्नर पर। और इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले, बहुत ही बेहतरीन लग्जरी प्लान है आपको। अगर हम बात करें तो पूरा डिस्कस करेंगे, तो फ्रंट मैं बता दूं ये है आपका, जिसमें मेन डोर आपका ये है और साइड में आपका डोर है एंट्री। अगर आपको मेन डोर नहीं ओपन करना है तो साइड से ओपन करके आप एंट्री कर सकते हैं। ये आपका वनडी वॉल है 5 फिट का, जिसमें मैंने डिजाइनिंग दी है। और यहाँ से आप कार पार्किंग कर पाएंगे, इधर से आप चढ़ पाएंगे। ये 4 पिलर हैं। वहीं साइड की बात करें तो साइड में आपका पूरा नॉर्मल सा है, मैं बताऊंगा कैसे पूरा प्लान होना है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर आपका ये देखने को मिलता है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिए पूरा मैंने लास्ट फ्लोर तक बना दिया था, जो आपका विंडो वगैरह है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। और पूरा डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें। स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार स्मॉल हाउस प्लान को ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया आइडिया मिल जाए घर का और आप बेहतरीन सा घर बनवा सकें। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन बेहतरीन सी वीडियो। तो जो आज का प्लान है उसे डिस्कस करते हैं। ग्राउंड फ्लोर देखिए, फ्रंट का पहले डिस्कस करता हूँ। मेन डोर ही है और यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले आपको कार पार्किंग मिलता है। इधर ये पार्किंग का एरिया मिल जाता है बड़ा सा, क्योंकि जगह काफ़ी है। 30x60 फिट बहुत एरिया होता है 1800 स्क्वायर फिट में, और इसी को मैंने इसलिए ओपन क्रिएट किया है। घर पूरा फुली वेंटिलेटेड घर है। तो अब हम बात करें इसके बाद पार्किंग के बाद, अब ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आ जाते हैं हॉल में। उसके पहले आपका देखिए फ्रंट में ये बेडरूम है, और इस बेडरूम को मैं एक्सेस करने के लिए स्टेयर्स के नीचे से डोर दिया है मैंने, और इसमें एक अटैच्ड लेटेंट बात दी। इस बेडरूम के लिए अटैच लेटेंट बात एक ये है, और ये एक लेटेंट बात और है जो कि आप हॉल से एक्सेस कर पाएंगे। वहीं एक लेटेंट बात ये आपको फ्रंट में मिल जाता है, ये भी हॉल से एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पीछे आपके 2 बेडरूम है, जो लगभग आपके 15x15 फिट के बेडरूम है। खूब बड़े से बड़े बेडरूम मैंने इसीलिए क्रिएट किए हैं। और ये आपका किचन एरिया है, ये आप जो देख पा रहे हैं किचन के एरिया है, जो मैंने ग्लासेस लगा दिया था। और ये आपका एक बेडरूम और है, और इसका ये किचन एरिया आपकी स्टेयर से जहाँ से चढ़ेंगे और टर्न होकर ऊपर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 3 लेटेंट बात, एक किचन और 4 बेडरूम्स हॉल मिलता है। अब हम बात करें, देखिए ये तो होगा फ्रंट से एंट्री की, वहीं साइड से एंट्री कैसे करेंगे, जो आपका कॉर्नर का प्लाट जैसा कि मैंने बताया था। तो साइड से एंट्री करने के लिए ये मैंने डोर दिया है। पीछे एक बेडरूम था जो 15x15, उसमें 2 विंडो दिए हैं वेंटिलेशन के लिए। ये पूरा एक्सेस करेगा आपका, ग्लास ऊपर से लेकर नीचे तक विंडो इसमें इंक्लूड है, जिससे वेंटिलेशन होता रहे। और आगे जो फ्रंट बेडरूम था उसमें मैंने ये और एक विंडो दिया है। इस डोर से आप एक्सेस कर पाएंगे, स्टेयर्स के नीचे से आप जाएंगे, और साइड से अगर आप अंदर घर के जाना चाहते हैं तो इस डोर से आप पूरे घर को एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और फ्रंट से तो आपका मेन डोर ही रहेगा जो एक्सेस होगा। तो एक कॉर्नर का प्लॉट था जो मैंने आपको बताया। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई जो आपने देखा। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर देखिए, ये दोस्तों प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो पूरा प्लान सेम ही है आपका। देखिए पूरा प्लान सेम है, वही आपके बेडरूम्स, वही विंडो वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, ये वाला एक आपका एक्स्ट्रा बन जाता है, क्या नाम, बेडरूम। और ये वाला जो एरिया था, इधर जो बेडरूम था, उसको मैंने एज अ बालकनी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए जब इधर से आप देखेंगे, और इसमें मैंने रेलिंग भी लगभग 3 फुट का आगे को निकाल दिया है, क्योंकि आगे रोड था, और बालकनी बना दी है। इसमें बेहतरीन से गुमटी का डिज़ाइन दिया है जो आप देख पा रहे होंगे, और ये पूरा कवर्ड हो गया यहाँ पर। वहीं बात करें फ्रंट में, जो आपका कार पार्किंग वाला एरिया था,
यहाँ पर एक बेहतरीन सा डिज़ाइन दे दिया है, ये मैंने पैनल इंक्लूड कर दिए हैं और चारों तरफ ग्लास का रेलिंग दिया है। ये देखिएगा ग्लास का रेलिंग कहाँ कहाँ है, टॉप व्यू अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से कि ग्लास का रेलिंग मैंने कहाँ कहाँ पर दिया है। पूरा देखिए प्रॉपर तरीके से आपको घर देखने को मिलता है, बेहतरीन सा मॉडल देखने को मिलता है जो आप एक्सेस कर पाएंगे। वहीं लास्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ फिर से 3.5 फीट का बाउंड्री जिसमें ग्लास की रेलिंग, और बात करें फ्रंट में इस कॉर्नर पर मैंने थोड़ा दूसरा सा डिज़ाइन दे दिया है, इसलिए आपका देखिए घर कितना बेहतरीन होने वाला है। 1800 स्क्वायर फीट में कॉर्नर का प्लॉट है, ये कॉर्नर का जिसे बोलते हैं खूना बोल सकते हैं, तो 30x60 कॉर्नर प्लॉट का नक्शा है घर का। तो आपको कैसा लगा आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर दें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा घर बनाइएगा। देखिए कमेंट्स बहुत आते हैं लेकिन सभी का पॉसिबल नहीं होता, आप भी समझते हैं, इसलिए मैंने पेड सर्विस स्टार्ट की है। उसमें आपको पेमेंट करना होता है हमें 50% पहले और 50% बाद में, फिर हम आपको पेड सर्विस देते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप पर ही कॉन्टेक्ट होगा, कॉलिंग नहीं होगा उस पर। तो आप हमें, अगर आप पेड सर्विस के लिए इच्छुक हैं, आप घर बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना पेड सर्विस का जो भी हमारा चार्ज है मैं आपको बता दूंगा और आप हमें उसे नक्शा बनवा सकते हैं। ये प्लान कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें। और फिर से कहूँगा अगर आपने इस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स।